जी भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज़ पहुंच रही है? ये कौन लॉग इन है? 5UPZP से भाई। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं आशा बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे डिवाइस में आवाज़ नहीं जा रही, तो मैंने फोन से ठीक कनेक्ट किया और उसी उसमें सिर्फ देखती हूँ कंप्यूटर में। है, ठीक। तो हमारा जो डिस्कशन था वो कल यहाँ तक हो गया था, और कल होमवर्क दिया था। दो सबनेट बनाने के लिए कितने बिट बोरोगी भाई? दो सबनेट बनाएंगे तो यहाँ पेन की वैल्यू कितना लिया? पेन की वैल्यू 2 लिया दो सबनेट के लिए। पेन की वैल्यू 1 लिया, ये कितना प्लस हो? 11 ये 2 हो जाएगा। यस यहाँ पे 1 बिट ऑन होगी, ये ऐसे हो जाएगा। सर जब वो फिफ्थ स्टेप में जाएंगे तो इसकी जगह पर क्या आएगा? सर 128 यस 28, क्योंकि 1 बिट ऑन है। ट्वेंटी सर एट और जब एक ही बिट ऑन की होगी, यही आखिरी होगी, यही लास्ट होगी, पहली होगी, तो ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा? 128। यस सर तो पहला सबनेट तो 0 से शुरू होगा, यस 128 से शुरू होगा। तीसरा चौथा यहाँ पे बनेगा ही नहीं, केवल वही सर सबनेट बनेंगे। स्टेप नंबर 7 में जब जाएंगे तो यहाँ पे 1 बिट बोरो लिए, तो ये कितना बचेगा? 7 माइनस 2। होस्ट की बिट कितनी बच जाएंगी? 7, क्योंकि आपने 1 लिया था। पहला सबनेट 0 से, दूसरा 128 से। पहले 28 वाले की BID कितनी हो जाएगी? 127। और लास्ट वाले की 255, 255 हो जाएगा। तो सर फर्स्ट वैलिड क्या हो जाएगा? वो लास्ट वैल्यूड 100, और ये 129 हो जाएगा, और ये 254 हो जाएगा। ठीक है सर जी। दूसरा क्या? 23 सबनेट निकाल लो। 23 सबनेट के लिए, 23 सबनेट के लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 5। फाइव ये आएगा 32, यानी यस 2 3 4 5 बिट ऑन करेंगे। सर पांचवें स्टेप में जब जाएंगे तो 5 बिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 248। ये 248 यहाँ 5 बिट ऑन कर दी गई, तो इस वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ब्लॉक आठ साइज 8 हो गया, तो पहला 0 सर 8 से, तीसरा 8 प्लस 8 यानी 16 से, सुंदर। और इस 24 32 40 48 56 32 तरीके से जो लास्ट जाएगा, लास्ट कौन सा होगा? 32वां। 32वां कहाँ से शुरू होगा? 248 से।48 जो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे आके मैच करेगी। 32वां सबनेट 248 से होगा। ठीक है जी। और सर यहाँ पर होस्ट की 3 होस्ट की 3 बिट बजेंगी। 5 आपने बोरो ले लिए, 5 बिट आपने बोरो लिए, वहाँ पे 3 बचेंगी। पहला 0 से, दूसरा 8 से, तीसरा 16 से, लास्ट 248 से। 48 8 से 1 कम 7 हो जाएगा, 16 से 1 कम क्या हो जाएगा? 15। और 8 दुनी 16, 8 थी 24, 24 से 1 कम क्या हो जाएगा? 23। और ये 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वैलिड और लास्ट वैलिड, ये फर्स्ट वैलिड होगा, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, ये 17, ये 22, ये 249, और ये 254। फोर इसी तरीके से अब हम जाएंगे लास्ट वाले पे। कितने बनाने थे? 50 सबनेट। लास्ट सर सबनेट के लिए
एन की वैल्यू 6, सिक्स। तो ये कितनी हो गई, 64 हो गई 6 पे। तो 1 2 3 4 5 6 बिट ऑन करेंगे, 2 बिट बचेंगी किसकी, होस्ट की। तो यहाँ पे चले जाएंगे, 6 बिट का मतलब हो गया 252। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बिट ऑन हो गई। 6 बिट जब ऑन हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ब्लॉक साइज 4 का आ गया, तो पहला 4 से, फिर 4 प्लस 4 इससे 8 से, फिर आपके पास जो लास्ट जाएगा 252, तो वो कहाँ से शुरू होगा, सॉरी 64 में शुरू होगा, 64 से, जो 64 नहीं कितना, हाँ 64 से जो शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा, 252 से मैच252 करेगा। फिर यहाँ पर कितनी बिट बची, 2 बिट बची, ये 0 और ये 4, ये 8, लास्ट 252। 4 से एक कम, ये 3 हो जाएगा, 8 से कम, ये 7 हो जाएगा, और ये 251 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 हो, 11 होगा, 11 होगा, क्योंकि 8 दुनी 16, 11 4 बार दुनी 8, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये 255 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 5, ये 6, ये 9, ये 10, 253, 254। ठीक है जी, मैच हो गया सबका। सर। चलेंगे क्लास बी की तरफ। जी, लास्ट लास्ट बिट जो ऑन कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे भी कर दो, मर्जी आपकी, कान घुमा के पकड़ो, सीधा पकड़ो, आना चाहिए, कहने का मतलब है। अब सारे तरीके बताएंगे तो सीखोगे क्या फिर, अब एक ही तरीका नहीं सीख पा रहे हो तो 36 क्या सीखेगा। जो आपको लग अच्छा लगता है वो करें। लाल बॉक्स, ब्लॉक साइज 4 आना चाहिए। ओके, क्लास बी की तरफ चलिए। सारी चीजें वही निकालनी है जो पीछे निकाली गई। 179.19.0.0/16, ये एक नंबर है क्लास बी का। सर ये नंबर हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक, कुछ भी लिख लो जी, आपको कल बताया था कि सबनेटिंग जब भी होगी किसकी होगी, क्लास फुल एनआईडी की होगी। क्लास फुल एनआईडी वो होगी, क्लास बी का अगर नंबर है तो उसके अंदर होस्ट की सारी बिट 0 होनी चाहिए, 16 बिट 0 होनी चाहिए, और उसकी मास्किंग डिफॉल्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम नंबर ले रहे हैं क्लास बी का, आप ये नंबर लें या कुछ भी नंबर ले लें, 180 कर लें, 10 कर लें, तभी भी क्लास किसका है, बी का है। और ये पूरा नंबर नेटवर्क आईडी है, चूंकि होस्ट की बिट्स क्या है, 0 है, मास्किंग 16 है, दैट्स वाई इसको क्लास फुल बोला जाएगा। तो सबनेटिंग जब भी होगी वो क्लास फुल की होगी। यहाँ पर जो नंबर है इसके, फॉर एग्जांपल हमने 23 सबनेट बनाने हैं, बाकी सारी चीज़ें वही निकालनी है जो कल सवाल में लिखी हुई थी। पहला स्टेप क्या होगा, क्लास बी में कितनी मास्किंग है, 16, तो इसका डिफ़ॉल्ट मास्क लिख दिया जाएगा, ये इसका डिफ़ॉल्ट मास्क लिख दिया। स्टेप नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर 255 है वहाँ पे 8 बिट क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, बाकी सारा 0 कर दिया।
जितनी बिट वन है वो किसकी बिट है? नेटवर्क की बिट है। कितनी है? 16 है, और होस्ट की भी 16 ही बिट है। स्टेप नंबर थ्री में नंबर ऑफ सबनेट निकालना है। एम की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी कि 23 आ जाए, एक्स की वैल्यू या उससे ज़्यादा आ जाए। पाँच रखेंगे, एक्स की वैल्यू 32 हो जाएगी। यानी कैलकुलेशन तो 23 के लिए करना चाह रहे थे, बट 23 के लिए पॉसिबल नहीं, 32 के लिए पॉसिबल है। स्टेप नंबर फोर में 8 बिट वैसे ही रख दी जैसे थे, फिर 8 बिट वैसे ही रख दी। तीसरे ऑक्टेट में 1 2 3 4 5 बिट ऑन की, बाकी सारी 0। और फिर ये सारी 0। ये नेटवर्क की बिट, और जो बिट अभी लिए हैं ये सब नेटवर्क बिट है, जो कि 5 है, जो कि एन की वैल्यू है। रिमेनिंग जो होस्ट की बिट बचती हैं 8 और 3 11। नोट करें, सर, ये एन की वैल्यू 5, ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दे। हमें एक्स की वैल्यू 23 चाहिए। कल टेबल बनाई थी, जी यहाँ पे 23 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? सही, या किसी नंबर के अंडर में 23 आ रहा यस सर, यस सर, 2 5 है? 32 के टू अंदर, जी तो 32 के अंदर में आएगा तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 5। यस सर, नोट करें, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी,
स्टेप नंबर 5 की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 5 में एक माइक डिस्टर्ब हो रहा है किसी का, उसको एक जगह पे रखें। 255 255 कितनी बिट ऑन की है आपने? 5। तो 5 बिट का मतलब क्या हो गया? 248। कल बता 48 0। ये आ गया सबनेट मास्क। जी, सबनेट मास्क आ गया। फिर निकालेंगे छठे स्टेप में ब्लॉक साइज। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 0 0 जी कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। तो इसमें ये जो है इसकी जो ब्लॉक सब वैल्यू है वो 8 है, यानी ये क्या हो गया? ब्लॉक साइज हो गया। कौन से ऑक्टेट में हो गया? थर्ड ऑक्टेट में, क्योंकि क्लास बी की सबनेटिंग इसमें होगी, थर्ड ऑक्टेट में की जाएगी। स्टेप नंबर 7 में स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, जीरो डॉट जीरो ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड जो सबनेट स्टार्ट होगा ये ब्लॉक साइज किस में एडिशन होगा? 3 के अंदर, यानी 8.0। थर्ड जो स्टार्ट होगा फिर 16.0। और जो लास्ट होगा, लास्ट का मतलब 32वां है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 248.0। जो ये आखिरी वैल्यू होगी ये लास्ट होता है। फिर 8वें स्टेप में जाएंगे, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। हर सबनेट के अंदर कितने वैलिड आईपी होंगे? 2 की पावर n-2। n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट बची हैं इन स्टेप 4। तो स्टेप 4 में कितनी बिट बची हैं उसकी? 8 और 3 11। तो 2 की पावर 11-2। और 9th स्टेप सबनेट आईडी रेंज, सबनेट आईडी रेंज। क्या था? 170 170 9 19 0.0 ये पहला सबनेट। दूसरा जो शुरू होगा 179 19 8.0। थर्ड 179 19 16.0। और जो लास्ट है 179 19 248.0। टू फाइव फाइव 255। इससे कम क्या हो जाएगा? 7 डॉट क्या होगा भाई? 7 डॉट 8.0 से कम, 7.255। 16 से एक कम, 15.255। और ये 179 19 अगला होगा
आठ तीय 24 यानी 23.255। जो फर्स्ट वैलिड हो जाएगा वो 0.1 हो जाएगा, लास्ट वैलिड ये हो जाएगा 8.1, 15.254, 16.1, 23.254, 248.1, 255.254। नोट करें। सर, इसमें आपने एक एक सबको कम क्यों किया? हाँ जी, आपने इसमें एक एक कम किया जो ब्लू से अभी आपने लिखा एट, एक कम किया मतलब। या आपने फर्स्ट में बनाया 0.1, हाँ, सेकंड में लिखा ये 1, कहाँ से आया ये एक्चुअली? अब वन कहाँ से आया? आईपी एड्रेस, जब ये हो गया 0.0, जब आईपी एड्रेस बढ़ेगा इसका मतलब ये 0.0.0.0.0.0.0, इसका मतलब ये, जब आईपी एड्रेस वन के बाद, इसके बाद जब 0 के बाद 1 आएगा तो 1 कैसे लिखा जाएगा? 1 16 बिट में ऐसे लिखा जाएगा 0.0.0.0.0.0.0.1। अच्छा, तो ये बराबर जो हो जाएगा 1 के बराबर है, ये बराबर 0 के बराबर है। फिर 2 आएगा तो 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.0 हो जाएगा। जब 3 आएगा तो ये 1.1 हो जाएगा, ये आखिरी वाला है सबसे। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी नोट हो गया भाई। सर। ठीक। इस सवाल के घर से आपने 11 सबनेट बनाने हैं और 50 सबनेट बनाने हैं। इसी सवाल के 11 और 50 ये हम वर्क नोट करें। क्लास ए की तरफ चलते हैं। ट्रिपल 1.0.0.0/8 और इसके 128 सबनेट बनाने। बाकी सारी चीजें जो क्लास सी क्वेश्चंस में थी वो कैलकुलेट कर देंगे। तो सॉल्यूशन में पहला स्टेप ये इसका डिफॉल्ट मास्क है। ये इसका डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2 में इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। जितनी बिट्स नेटवर्क की हैं वो कितनी 8 हैं और जो होस्ट की हैं वो कितनी हैं 24। स्टेप नंबर 3 में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2n कितनी एन की वैल्यू चाहिए। 6 बनाएंगे तो 64 बनेंगे, 7 लेंगे तो कितने बनेंगे 128। तो 6 बिट पे काम नहीं हो सकता, 107 बिट पर लेंगे तो हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। 128 किसी के अंदर बनेंगे। या अगर किसी ने कहा कि भाई कम बन 111 किसी ने लिखा होता, 110 लिखा होता, तब भी 128 में आता वो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कितनी बिट ऑन करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 0 फिर 0 0। अब तो यहां पे नेटवर्क की बिट कितनी 8 और SNB की जो बिट हो गई ये हो गई 7। होस्ट की जो बिट्स हैं
में वो हो गई 6, 16 और 1 17। नोट करें, नोट करें। सर एसएनबी का फुल फॉर्म सर? सब नेटवर्क बिट्स, सब नेटवर्क बिट्स। अस्सलाम वालेकुम।
स्टेप नंबर 5 में टू फाइव फाइव और ये 7 बिट होगी, 7 पर हो जाएगा 2 5 4 0.0 और ये हो गया सबनेट मास्क, ये हो गया सबनेट मास्क। स्टेप नंबर 6 में ब्लॉक साइज, इसको हमने क्या किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जीरो और इसको कॉपी कर लिया गया फ्रॉम स्टेप 4 से। और यहाँ पर इसका ब्लॉक साइज आ गया 2, कौन से स्टेप में, ऑक्टेट में, सेकंड ऑक्टेट में, ये सेकंड ऑक्टेट में ब्लॉक साइज कितना होगा, 2 होगा। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट जो होगा वो 0.0.0, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सर, एक जी बोले। आपने ये ब्लॉक साइज 2 किया ऊपर 0 के बगल वाले, उसको कैसे किया एक बार एक्सप्लेन कर दें जब बाइनरी कन्वर्जन बताया था जी। तो वहां पर बताया था कि इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जी अब यहाँ पे जो ये वाली बिट है कौन जी सी बिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 में की वैल्यू कितनी है, 2 है। लेकिन मैं अक्सर हम सातवां ही क्यों ऑन करेंगी ये जानना था मुझे। अक्सर कब 7वां ऑन यूज किया जा रहा है, सब में 7वां किधर ऑन यूज किया है, आप सो रहे हैं क्लास में। नहीं सर, आपने सातवां को सर्कल करके 2 डाला ना, तो इसलिए सब में नहीं उसकी बात कर रही हूं मैं, उसमें क्यों सातवां यूज किया ये वाली चीज मुझे इधर भी नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि कैसे यूज किया भाई यहाँ यहाँ पर एन की वैल्यू 5 है जी। तो 5 बिट ऑन की, तो जी इस वाली 5वीं की वैल्यू देखेंगे क्या होगी, उस यहाँ पे जो ऑन कर रहे हैं कौन सी बिट ऑन, कितनी बिट ऑन कर रहे हैं, 7 बिट ऑन कर रहे हैं, जी कि हमें 128 चाहिए। जब 7 बिट ऑन कर रहे हैं तो इस वाले को हमने कॉपी कर लिया, जब इस वाले को हमने कॉपी कर लिया तो सेम टू सेम हमने यहाँ कॉपी किया, ये कौन सी बिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं बिट हो गई, 7वीं बिट के ऊपर ये क्या वैल्यू है, 2 है, तो ब्लॉक साइज 2 हो जी गया। ठीक, आप समझ गए। सेकंड सबनेट, इसमें ब्लॉक साइज ऐड होगा किसके अंदर, इस वाले के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 2.0.0, थर्ड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.0.0 और लास्ट का मतलब हो गया यानी 128 जब होगा तो ये आखिरी यहाँ से शुरू होगा, 2 5 4 0.0, नोट करें।
आठवां स्टेप, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। की पावर जीरो जी, ठीक है। एन माइनस टू कितना हो जाएगा, टू की और कितना हो जाएगा, कितने बचे हैं उसके बिट, 17, 17। 17 माइनस टू। नाइन्थ स्टेप, सबनेट आईडी रेंज, सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट 111.0.0.0, दूसरा 111.2.0.0, थर्ड 111.4.0.0, और लास्ट 111.2540.0। अब इससे जो एक कम होगा 1.255255, इससे एक कम जो कम होगा 3.255255, अगला 6 हो जाएगा 5.255255, 111.254 और 255 और 255, सॉरी ये सारे 255 हो जाएंगे। जीरो डॉट 0.1, 1.255254, 2.0.1, 3.255, 254, 4.0.1, 5.255254, और 254.0.1, और 255.255.254, नोट करें।
हो गया भाई सबका नोट। घर से जो होमवर्क नोट करना है इसी के बनाने हैं, लेट्स से 29 सबनेट बनाने और 200 सबनेट बनाने, दो क्वेश्चन करने। उसके बाद शुरू होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू और मोर सबनेट आईडीज बिलोंग्स टू सेम क्लासफुल नेटवर्क आईडी। जो अभी आपने सबनेटिंग की थी, अगर आपको दो या तीन या चार सबनेट मिल जाएं तो उनको जोड़ना है समराइजेशन के अंदर, यानी रिवर्स ऑफ दी सबनेटिंग है। कैलकुलेटेड एड्रेस कॉल्ड समरी एन आईडी, मास्क ऑफ समरी एन आई डी, मास्क ऑफ समरी एन आई डी विल बी ग्रेटर देन डिफॉल्ट मास्क। नोट करें कैसे करेंगे, अगले पेज पे देखें।
अगर हमारे पास 199, 10, 24/30 एक सबनेट ये दे रखा है, अगर मास्किंग 24 होती तो ये सबनेट ना होता। मास्किंग 24 होती तो क्या होता, एक क्लास फुल होता। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 हो तो क्या हुआ, क्लास फुल होता। फिर ये मास्किंग अगर 30 कर दी या 24 के बाद 25 कर दी तो क्या बन गया, ये सबनेट बन गया। यानी किसी ने इस नंबर के अंदर जो मास्किंग 24 था सबनेटिंग की है, तो उसकी मास्किंग कितनी कर दी है, 255, 255, 255, 252, ये बराबर कितने की हो गई, 8 बिट, 8 बिट 16, 8 24 और 6 30 बिट हो गई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो एक सबनेट ये है, दूसरा सबनेट किसी ने दे रखा है 8/30, और तीसरा सबनेट ये दे रखा है 12/30। इन तीनों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाना है, तो क्या तरीका होगा। पहले हम ये देखेंगे कि इन तीनों नंबर में लेफ्ट टू राइट कितने ऑक्टेट सेम नजर आ रहे हैं, कितने ऑक्टेट है एक जैसे, लेफ्ट टू राइट तीन 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 ऑक्टेट एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये जैसे डेसिमल में एक जैसे नजर आ रहे हैं, बाइनरी में भी एक ही जैसे होंगे। जितनी बिट यहाँ पर ऑन ऑफ होंगी उतनी ही यहाँ पे होंगी, उतनी ही यहाँ पर होंगी, तभी तो 199 तीनों में आएगा। तीनों नंबर के अंदर बिट कितनी ऑन है कितनी ऑफ है तीनों में सेम होगी। तो जितनी बिट सेम है, चाहे वो जीरो हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस 10 को समझ लिए, 0000 1010 ऐसे लिखेंगे ना 10, तो तीनों नंबर के अंदर 10 लिखने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। तो जितनी बिट तीनों के अंदर सेम है, चाहे वो तीनों में जीरो हो या तीनों में वन हो, उसको हम क्या कर लेंगे, वन से रिप्लेस कर देंगे। यानी पहले ऑक्टेट में 8 बिट एक जैसी हैं, दूसरे ऑक्टेट में 8 बिट एक जैसी हैं, तीसरे ऑक्टेट में 8 बिट एक जैसी हैं, लेकिन चौथे ऑक्टेट में नहीं पता क्यों, क्योंकि तीनों नंबर क्या हैं, अलग अलग हैं। डेसिमल में हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों नंबर में 24 बिट कॉमन है, ऐसे बोल सकते हैं। 255 का मतलब जो नंबर कॉन्स्टेंट है। तो अब जो अनकॉमन है 4, 8 और 12, क्या करेंगे इसको, बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। आठ को फिर 12 को, कितनी बिट कॉमन है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कितनी कॉमन है यहाँ पे, कितनी एक जैसी है लेफ्ट टू राइट, है जी, एक तरफ चार कॉमन है और लेफ्ट टू एक राइट, लेफ्ट तरफ लेफ्ट टू राइट कितनी कॉमन है, लेफ्ट चार और लेफ्ट, राइट टू। अरे लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं, लेफ्ट राइट नहीं बोल रहे, लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं, लेफ्ट राइट नहीं बोल रहे, केवल ओके फोर 4। सर। तो जो बिट एक पैटर्न की है उनके नीचे क्या लिख देंगे, वन। टोटल जो है कितनी हो गई, 24 बिट ये हो गई, 25, 26, 27, 28, 28 बिट एक समान है, एक जैसी है। आगे जाते हैं तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, ये बिट का पैटर्न चेंज हो गया। तो जैसी बिट का पैटर्न चेंज होगा वहां जीरो लिखा जाएगा, और उसके आगे फिर ऑल जीरो होंगे, फिर हम सारे जीरो ही लिखेंगे चाहे वो सेम क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों नंबर के अंदर 24 बिट तो एक जैसी हैं, 4 बिट ये एक जैसी हैं, 4 पर हो गया 240। यानी इसके ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसके ऊपर ये वैल्यू कितनी हो गई, 240। 4 बिट ऑन है, 240 हो गई। मास्किंग कितना हो गया है, स्लैश
28, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 ये, 4 ये। अब ये जो आखिरी है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8, ये 16, 16 इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 2 4 8 16, 16 होगी। तो 16 हो गया ये ब्लॉक साइज। कौन से ऑक्टेट में अनकॉमन है? अनकॉमन ऑक्टेट कौन सा है? ऑक्टेट नंबर। अरे अनकॉमन ऑक्टेट कौन से में है भाई? कोई सूर है सारे फोर्थ फोर फोर में। तो ये फोर्थ ऑक्टेट में ब्लॉक साइज कितना आ गया? 16 आ गया। अब 16 का जब ब्लॉक साइज आ गया तो ये 0, ये 16, फिर ये 32, फिर ये 48, कहाँ तक जाएगा? 240 तक लास्ट। 16 से एक कम क्या होगा? 15। 32 से एक कम क्या होगा? 31। 48 से एक कम क्या होगा? 47। 16 तीन 48, 16 चौका 64, ये 63 हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? 255। तो हमारे पास 16 16 के, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा भाई, पीछे रखें थोड़ा। 16 16 के मल्टीपल ग्रुप बन गए। तो ये चारों नंबर जो हैं, तीनों नंबर जो हैं, किसी 16 में ही आएंगे। 99 10 20 तो कॉमन है। यहाँ पर क्या नंबर आएगा उसको देखना है। ये 28 यहाँ चला जाएगा। ये 4 8 12 कौन से उसमें आते हैं? पहले वाले ग्रुप में आते हैं, दूसरे में आते हैं, तीसरे में आते हैं, किस में आते हैं? ये भाई 4 8 12 किस में आते हैं? पहले में, दूसरे में? जी भाई ऑनलाइन वालों, ये 4 8 12 जो नंबर है पहले ग्रुप में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा? पहले में पहले आएगा सर। में अगर आएगा तो ये 0 की जो वैल्यू है यहाँ चली जाएगी। तो ये सारे नंबर जो आ रहे हैं, ये नंबर किस में आ रहे हैं? पहले वाले के अंदर। तो ये 0 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो ये जो निकल कर आया इसको बोलेंगे समरी एन आई डी। इसका यूज़ सीसीएनए में कुछ नहीं है, सीसीएनपी में हो और बहुत हो यूज होगा। नोट करें, और सीसीएनए का ये टॉपिक नहीं है, सीसीएनए में कोई नहीं पढ़ाएगा।
सर जी सर ये आपने सर यहाँ ऊपर में सर 0 16 30 to 48 किया ना सर, तो सर 16 से कम क्यों किया? एक सर 15 किया, 32 से 1 कम 31 किया, ये क्यों किया सर? भाई, इसको निकालना है किस रेंज में आएगा, ये कैसे पता लगेगा? अच्छा इसलिए किया सर आपने, ओके ओके समझ इंच कैसे फाइंड करोगे? गया सर, समझ गया। हो गया जी भाई, जी सर हो गया। जिन लोगों का हो गया है यहाँ पे 14 कर दें, यहाँ पे 24 कर दें, 4 की जगह यहाँ 28 कर दें या 32 कर दें, और निकालें ये वाला नंबर क्या आएगा। सामने सारा प्रोसीजर है, सर सबनेट तो 30 रहेगा ना? सब कुछ सेम है, सिर्फ 24 28 32 कर दिया।
हो गया सर, आंसर आया? सर 26 मार्क्स। 26 मास्क हो गया और जीरो की जगह क्या आया? यस सर, सर 0 की जगह 63। 63 कैसे आ जाएगा? सर 64 का ब्लॉक बनाना सर, 0 64 128 192। तो 63 कैसे आ जाएगा? सर 64 का ब्लॉक बनाया ना सर, अरे वो तो हमें ही पता है, बना है तो हाँ, सालों से बन ही रहा है वो तो। 24 का मतलब हो गया, हाँ सर पहला पहला नेटवर्क होगा सर 199.10.20.0, दूसरा होगा 199.10.20.64, तो यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहे हैं हम तो। यहाँ सर आएगा 199.10.20.0 और क्या पूछ रहे हैं? मास 26 बस यही पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? जीरो है। 0। 63 थी जी। यस सर, आपने बोला था ना सर कि 64 से एक कम जहां आएगा 63, वहां 0 0 होगा, तो वही मैंने बोला सर आपको। क्या करे 28 का क्या है? तो बाइनरी की जरूरत क्या 28 की? ये वाले 28 की बाइनरी, कि इसमें बाइनरी तुम्हारे से 28 की बाइनरी नहीं निकल रही है? ये तो तुम्हारा गामा निकलना। चार ये हो गए, चार ये हो गए, आठ हो गए, अब 28 का बाइनरी निकालना है। ये 128 है, ये 64 है, ये 32 है, ये 16 है, ये 8 है, 4 है, 2 है, ये कौन से नंबर को जोड़ के 28 आएगा भाई? कोई नंबर नहीं मिल रहा इसमें। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा कि 28 आ जाए जुड़ के। जी भाई, सर 16.84 की जोड़ खाएगा, 16 और 16.84, 16.84 16, 8 कितना हो गया? 24, 4, 28। तो 16 की बिट बंद कर देंगे, 8 की बिट बंद कर देंगे, 4 की बंद कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? हाथ पैर चलाओगे तो काम होगा भाई, ऐसे कैसे काम होगा? लिखने को तो मैं ही लिखता चला जाऊं, आप नोट करते रहो, फिर उससे फायदा क्या होगा? हाँ जी, आपने कुछ किया कॉपी पे? क्या क्या निकाला कॉपी पे? कहाँ तक निकाला है? जब 192 यहाँ निकाल लिया तो ये कितनी बिट है? 8 बिट है, ये 8 है, 8 है, ये कितनी बिट है? 2। ये 2 ही बिट है ना, ये 192 पे 2 ही बिट ऑन होंगी ना, तो 24 बिट वो हो गई, 2 ये हो गई, कितनी हो गई? 26 हो गई। आंसर 0/26 आ जाएगा, जब यहाँ 24 होगा, 28 होगा और 32 होगा। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? अगले सवाल की तरफ चलें। वन सेवेंटी टू 16.5.0/24, 172 16.17.0/24, 172 16.9.0, 7.0/24, इसमें कितने ऑक्टेट कॉमन है लेफ्ट टू राइट? दो तो जितने कॉमन है उतनी जगह पे 255 लिख दें, बाकी जगह पे क्वेश्चन मार्क। अनकॉमन ऑक्टेट कौन सा है? थर्ड। 5, 6, 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 4, ये 5 हो गया, 6 का मतलब हो गया और 7 का मतलब हो गया ये।
कितने कॉमन है लेफ्ट टू राइट? चार ही कॉमन दिखाई दे रहे हैं, पांच ही कॉमन है, कुछ और भी कॉमन है? पांच है सर, छः छः छह कॉमन है, वन भी कॉमन है। तो सर। जितने कॉमन है, 1 2 3 4 5 6, बाकी 0, और इसके आगे सारे 0 हो गए, ऑल जीरोज हो गए। तो नया मास्क आ जाएगा 255। 255 इसमें कितने कॉमन? 6 बिट कॉमन, तो 6 बिट का मतलब कितना हो गया? 252। तो 52 बिट 0 हो गया, तो 16 और 6 कितना हो गया? 22। अब जो ये आखिरी वाला था, इसके ऊपर कितनी वैल्यू है? 4। ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा? 4। कौन सा ऑक्टेट में होगा? थर्ड ऑक्टेट के अंदर, जहाँ पे जो ऑक्टेट अनकॉमन है। तो अब यहाँ पे दो ऑक्टेट हमारे पास हैं, 0.0, 4.0, फिर 8.0। कहाँ तक जाएगा? 252.0। 4 से 1 कम हो जाएगा 3, 255। ये हो जाएगा 7, 255। 4 3 12, 11, 255। अब यहाँ पर ये मल्टीपल ब्लॉक्स बन गए। गिवन नंबर क्या है हमारे पास? 172 और 16। तीसरा और चौथा ऑक्टेट क्या आएगा? 22। तो यहाँ पर तीसरा चौथा ऑक्टेट किस में आएगा? ये किस में आएगा? इसमें आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? ये दूसरे में लाई करेगा। अगर ये दूसरे में लाई करता है, ये दूसरे में लाई करता है, तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी 4.0। ये बन गया समरी एन आई डी। कल नोट करें,
निकाला भाई। हो गया नोट, यस सर। तीनों का हो गया है। वो इसको यहाँ पे कर लें, 5 की जगह 15, 16 और 17 निकालें, क्या आएगा? आंसर सर सबनेट 19 क्या लिखूं? मास्किंग 19 19, और यहां क्या लिखूं? सर, यहाँ सर 172.16.0.0 ठीक। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। दस, 11, 12, 0/29, 10, 12, 13, 0/27, 10, 13, 14, 0/22 निकालें। जो तरीका अभी तक अप्लाई किया वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करें।
अंतर आया भाई? क्यों, कितने ऑक्टेट कॉमन है? एक ही कॉमन है तो फिर सेकंड ऑक्टेट अनकॉमन है, वहीं से फैसला हो जाएगा, तीसरे ऑक्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है। मास तो हम देख ही नहीं रहे, मास हम कब देख रहे हैं? कितना आया जी भाई? किसी का निकाला ऑनलाइन वालों ने? क्या निकाला आप लोगों ने? 19 कैसे आ जाएगा जी? शुभम निकाला भाई? सर सर सबनेट तो आया सर 255.248.253.0 सर, इसका मास कब निकलेगा सर? तो ऐसे नहीं आ रहा। ऐसे मास्क देखा कभी? नो सर। यहाँ पे कितना हाँ कॉमन है? केवल 255 क्वेश्चन मार के कन्वर्ट जो, यस सर। केवल ये वाला ऑप्टेट करोगे, वहां तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ग्यारह अच्छा बारह तेरह जब करोगे तो 11 का मतलब कितना हो गया? 8 और 3 11, 8 ये आपके पास हो गया, और ये 3 11 हो गया, 0 0 0 0 8 4 12, और 0 0 0 0 8 4 12, और 1 13। तो जब ये कर लिया तो कितना आ गया? 1 2 3 4, ये 5 कॉमन हो गया। यहाँ जब हुआ तो आगे का जाएगा, ऑल जीरोज हो जाएगा बाद में, तो निकालने की सर। जरूरत नहीं है। 255 248 0.0 कितना हो जाएगा? /13 मास का जाएगा इसका। दोनों को कैसे निकलेगा जब रूल बता दिया? एक बार जब जीरो हो गया तो बंद तो हो ही नहीं सकता कभी जाके। एक बार जब जीरो हो ओके सर। सारे क्या होने आगे? जीरो होने हैं। जब सारे आगे एक जीरो मिनट। होने हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? ब्लॉक साइज कितना हो गया? 8 हो गया। अब निकालो जरा क्या आएगा।
सर 172.24.0.0 172.24.0.0 172 कहाँ से आ गया भाई? 10.8.0.0 टेन 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 अच्छा 10.10. सॉरी सर, हम सर ऊपर वाला देख लेंगे. बटा 13 है। उस तरीके से ये सारा कैलकुलेट कर लिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर. आज के लिए यहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगला टॉपिक एक और है, अगले कल सिस्को के राउटर की कमांड लाइन शुरू होगी। आज केवल यहीं तक रखेंगे। कोई सवाल पूछ